ई मित्र कियोस्क की हमेशा यह शिकायत होती है कि हमारे ई मित्र पे कमाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह है कि ई मित्र पे सर्विस कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ई मित्र पे बहुत ज्यादा सर्विस है। उन सर्विसों का अगर आप सही समय पे इस्तेमाल करें तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि किसी भी सर्विस को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपके ई मित्र पे कस्टमर आए। अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो आप उन सर्विसों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। कस्टमर कब आएगा? जब कस्टमर को आप कहेंगे कि आप हमारे ई मित्र पे आए और इन सर्विसों का इस्तेमाल करें, तभी आएगा। और वो ई मित्र क्यों आएगा? क्योंकि उसका एक वैलिड आप कारण बताएंगे उसको कि इस कारण की वजह से आपको हमारे ई मित्र पे आना है और इन सर्विसों के अंदर आपको आवेदन करना है। तो मैं आपको कुछ एक ऐसी सर्विस बताने वाला हूं और क्यों बताने वाला, वो कारण भी आपको बताने वाला हूं, जिससे कि इन सर्विसों का यूज करके आप अपने ई मित्र पे आने वाले 1 से 2 महीनों में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देखें। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी कमाई अपने ई मित्र पे कर सकते हैं। ये सर्विस है जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, EWS प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड बना के आप अपने ई मित्र पे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र समाप्त हो चुका है और नया शैक्षणिक सत्र जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। जब भी नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा तो प्रवेश के समय सभी स्टूडेंट के पास जाति मूल मांगे जाएंगे। तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को ये बता दें कि आप अपने जाति मूल जल्द से जल्द तैयार करवा लें। अगर कोई भी जाति मूल जल्द से जल्द तैयार नहीं करवाता और जब प्रवेश लेने जाएगा तब उसके पास अगर जाति मूल की मांग की जाती है, उसके बाद आपके ई मित्र पे आके आप जाति मूल बनवाते हैं तो जाति मूल बनने में लगता है समय और उसके बाद प्रवेश से वो रह सकते हैं वंचित। तो इसलिए आप अपने आसपास को ये वैलिड रीजन बताएं कि इस कारण से आप हमारे ई मित्र पे आए और अभी अपना जाति मूल बनवा ले। बाद में अगर आपका जाति मूल बनवाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके ई मित्र पे कस्टमर आएगा और जाति मूल बनवाएगा। इसी प्रकार से EWS प्रमाण पत्र भी बनवाएगा और आय प्रमाण पत्र भी बनवाएगा। इसके अलावा जन आधार कार्ड के अंदर सुधार भी करवाएगा। तो ये सभी सर्विसों का इस्तेमाल आपको आने वाले समय में करना है। जन आधार कार्ड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि जन आधार कार्ड के अंदर किस प्रकार के अपडेट करने की जरूरत है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्रवेश फॉर्म के अंदर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जिसने 12th का एग्जाम दिया है वो कॉलेज में प्रवेश लेंगे तो उस समय जरूरत पड़ेगी। जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के अंदर प्रवेश लेंगे तब जरूरत पड़ेगी। आवासीय हॉस्टल के अंदर प्रवेश लेंगे उनको जरूरत पड़ेगी। आवासीय स्कूल के अंदर या फिर किसी सरकारी स्कूल के अंदर प्रवेश जो सत्र लेंगे किसी भी कक्षा में तो उसके पास से भी मांगे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो RTE के तहत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भी मांगे जाएंगे। और यहाँ पे जो छात्रवृत्ति के फॉर्म इन सभी लोगों के भरे जाएंगे तब भी मांगे जाएंगे। छात्रवृत्ति फॉर्म स्टार्ट होने में भी समय है, लेकिन पहले से अगर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने पड़ेगा। खास करके OBC वाले के जो जाति प्रमाण पत्र पहले से बने हुए वो एक्सपायर हो चुके होंगे तो उनको भी अपने अपडेट जरूर करवा लेनी है। तो ये एक अपडेट थी खास करके ई मित्र कियोस्क के लिए। तो मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है और आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचनाएं दे और सभी को बताए कि आप हमारे ई मित्र पे पधारे और ये सभी डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवाए। रीजन भी आप देख इस वजह से आप आके तैयार करवाए। इसके अलावा जो इमेज दिखाई दे रही है इसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। इसके लिए इस इमेज का लिंक इसी वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों।